नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको बनमोही ब्लॉग्स में। मैं मनोज कुमार मुखिया। दोस्तों आज संडे है और छुट्टी है, और देख सकते हैं हम लोग रूम से बाहर निकल गए हैं। तो छुट्टी का दिन हम लोग क्या करें, तो प्लान बनाते बनाते लास्ट में जो हम लोग का रूम मालिक है उन्होंने बोला कि चलो आज फिशिंग करने चलते हैं, यानी कि मछली मारने चलते हैं। तो देख सकते हैं हमारे ये फ्रेंड्स लोग, ये पूरा ये मछली मारने वाला बल्छी और सारे चीज़ लेके रेडी है। इधर दिखाओ तो ज़मीन, और देखिए इसी से क्रोशिया में मछली मारा जाता है, और पूरा रेडी के साथ हम लोग देख सकते हैं सब लोग जा रहे हैं। हम लोग यहाँ का एक नज़दीक में ही नदी है, तो उसमें हम लोग मछली मारेंगे और ले आएंगे और खाएंगे और आप सबको दिखाएंगे। तो आप सब वीडियो के साथ बने रहिए, देख सकते हैं पूरा टीम जा रहा है। आज कुछ अलग टाइप का ब्लॉग आप सबको दिखाने वाला है। देख सकते हैं मछली के खाना फंसाने वाला खाना जो है, इसी खाने से फंसाएंगे बोल रहा है ये ब्रदर, और सब टीम जा रहा है हमारा। तो चलिए दिखाते हैं फाइनली। एक दो मिनट में वहाँ पहुँचने वाला हूँ और हम लोग सेटिंग करेंगे, उसके बाद मछली मारेंगे। तो पहली बार दोस्त देख सकते हैं ये पूरा जंगल है, और हम लोग जंगल होके जाएंगे, इसके बाद नदी के पास जाएंगे। आप सब देख सकते हैं, और इधर घूमने भी आता है। ओके दोबर दान जस्ते भी कोच देने प्रेलाज देना नहीं इंग्लिश का। तो दोस्त देख सकते हैं ये मछली मारने वाला बल्छी है, और बैकग्राउंड में जो आप लोग देख रहे हैं ये भटमास का खेती है, बहुत ज़्यादा है। आप देखिए बहुत दूर तक है, और नदी के आसपास में ऐसा ही होता ही है, और बहुत ही बेस्ट लग रहा है। आप लोग देखिए एकदम मस्त है। और चलते हैं अब, फाइनली हम लोग लगभग आ गए हैं नदी के पास में, और नदी में पहुँचने वाले हैं। तो चलिए आप सबको बताते हैं कि यहाँ फिशिंग कैसे किया जाता है, और यहाँ स्थानीय लोग भी फिशिंग करने आया, यार बहुत ज़्यादा लोग हैं, आप सबको दिखाते हैं। तो दोस्त आप सब देख सकते हैं यहाँ ये फिशिंग करने वाला ठाव है, और बहुत यहाँ का क्रोशियन लोग भी आया है। आप देख सकते हैं यहाँ लेडीज भी है जो फिशिंग कर रहा है। आप सब देख सकते हैं कि लेडीज भी है फिशिंग करने आया है। तो फाइनली हम लोग भी चल रहे हैं अंदर नीचे और फिशिंग करते हैं। तो चलिए नीचे चल रहे हैं। तो दोस्त देख सकते हैं ये दे रहे हैं हमारे फ्रेंड्स को, और वहाँ चल रहे हैं हम लोग फिशिंग करने, और क्रोशियन लोग भी यहाँ फिशिंग कर रहे हैं, और मछली कितना पकड़ा है दिखाते हैं आप सबको। ये देखिए ये मछली पकड़े हैं इन लोगों ने, और हम लोग का ग्रुप यहाँ मछली पकड़ने के लिए रेडी हो रहा है और बना रहा है कैसे बनाएगा देखिए। तो फाइनली दोस्त दिखा दे आप सबको कि यही नदी है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं मछली मारने, और बहुत ही बेस्ट लगता है। और देखिए ये कैसे मछली फेंक रहे हैं। और तीन आदमी है, एक लेडीज है, चार आदमी, एक ऊपर है, एक लड़का है, और दो लड़की है, और अपना फैमिली है। और देखिए वहाँ पानी में चला गया, और देखिए कैसे फिशिंग कर रहा है, देखिए फिशिंग कैसे कर रहा है। नहीं आया नो प्रॉब्लम। तो इसमें देख सकते हैं इसी से पकड़ा जा रहा है, ये मटेरियल है माछा पकड़ने वाला। तो दोस्त देख सकते हैं फाइनली हमारे फ्रेंड्स लोग ये मछली के लिए ये फेंक रहे हैं सब रेडी करके, और देखिए कैसे यहाँ कर रहा है, और देखिए फिशिंग कर रहा है, कितना सक्सेस होता है देखिए क्या कर रहा है। अभी यहाँ का हथियार चलाना नहीं जानता है, नदी में आ गया, और कैसे बिगेगा इसको पता ही नहीं है, और देखो यहाँ मिला रहा है। हाँ जमीन मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है,
तो जमीन देखिए एकदम पूरा स्टेन में पकड़ के खड़ा हुआ है और ऐसे लग रहा है जैसे मछली उसमें आ गया। तो देखते हैं फाइनली क्या करता है मछली आता। ओह, और इसका नहीं आया देखिए बेचारा। तो देख सकते हैं हम भी अब फाइनली मछली मारने जा रहे हैं और देखते रहिए मछली पकड़ने के लिए, है ना। हाँ, मछली पकड़ने के लिए जीवन में पहली बार, वो भी क्रोशिया में। और देखिए मैंने फेंका और इसके बाद क्या होता है रिजल्ट। देख सकते हैं फाइनली हम लोग इस नदी में फिशिंग कर रहे हैं और अनुभव तो नहीं है फिर भी ट्राई कर रहा हूँ कैसे होता है। देखते हैं हम मछली पकड़ पाते या नहीं। यहाँ का जो क्रोशियन है वो तो बहुत ज़्यादा पकड़ लिए हैं और बहुत ही फास्ट फास्ट पकड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग का शायद पता नहीं है कि कैसे किया जाता है। ये मछली आ गया यहाँ क्रोशिया का नदी का मछली में पहली बार पकड़ लिया। मेरे दोस्त ने बहुत ट्राई किया बट नहीं हुआ, मैं पहली बार पकड़ लिया। देख सकते हैं आप, वाह वाह। ओए, मैं पकड़ लिया। तो दोस्त फाइनली मैं सक्सेस हो गया और पहली बार एक मछली पकड़ लिया। ओ जाइए नीचे आइए, इसको निकालिए भाई, इसको निकालिए। देखिए मछली पकड़ लिया। तो दोस्त आए फिशिंग करके तो दोस्त देख सकते हैं फाइनली। अब देखिए फिर से कर रहे हैं, इसमें लगाइए तो हजुर छा। तो दोस्त देख सकते हैं फिर दोबारा मैं तिमी नसमाते माछा कस्तो त्यो सेक गरे जस्तो भएको थियो। तो गाइस देखिए देखिए फिर मैं दूसरा बड़ा वाला मछली ले आने वाला हूँ। छोटा वाला था, बड़ा वाला ले आने वाला हूँ। तो आजा यार बहुत दिमाग खराब है। और आज चाह रहे हो नहीं, चाह रहे हो नहीं दोस्त। फाइनली मैं पहला टेक में मछली पकड़ लिया हूँ। अब दूसरा का पारी है। अब देख सकते हैं अब ये वाला लगाने जा रहा है। ये दोस्त ये देखिए इसका जगह नहीं है, फिर भी इसका जगह खोजा जाएगा और इससे भी मछली पकड़ा जाएगा। तो पहला शॉट में मैंने मछली पकड़ लिया भाई, मैं सक्सेस हो गया। अब फ्रेंड्स लोग ट्राई कर रहा है, देखिए सक्सेस होता है या नहीं होता है, बट मैं सक्सेस हो चुका हूँ। तो दोस्त बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही इंजॉय हो रहा है, बहुत ही मस्ती हो रहा है। मछली तो कम बस इंजॉय ज़्यादा है। और यहाँ क्रोशियन है जो पकड़ रहा है और उनसे पूछे कि मैं वीडियो बना सकता हूँ आपके साथ में, तो बोला नहीं, बट नहीं, लेकिन मैं छोटा सा क्लिप ले लिया हूँ उसका मछली पकड़ रहा है। तो अगर बोलता तो मैं उससे कैसे मछली पकड़ा जाता उससे थोड़ा बहुत जानकारी लेते, बट वो बोलने का इच्छा नहीं किया। जब मैं वीडियो प्ले किया तो बोला है कि मत बनाओ, बंद करो कैमरा, तो मैं बंद कर दिया। और ख़ास में बोला जाए तो हम लोग का यहाँ पर ये मशीन जो है ना, नेपाल और इंडिया का मशीन से बहुत फ़र्क है। यहाँ पे हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसको बीगेंगे और कैसे मछली इसमें आएगा, बट मैं एक आइडिया लगाया था, ट्राई किया था, जो उसमें जो टोकन की तरह लगा हुआ है उसको ऐसे ऐसे हिला रहा है तो ताने, इसके बाद मछली आ गया। तो दोस्त फाइनली हम ऊपर चल रहे हैं, दोस्त लोग मछली पकड़ रहा है और ऊपर से आप सबको दिखाते हैं और बहुत ही अच्छा है। और इधर भी जिस हथियार से हम पकड़ रहे थे उस हथियार से इधर पकड़ रहा है एक हमारे गांव का ही फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये गाछी पे चढ़ गया है और गाछी से मछली पकड़ रहा है। देखिए ये दोस्त है जो अभी अभी आया है। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे घूम के? बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, हैवी फिशिंग जो है उसका अलग ही मज़ा है, अलग ही मज़ा है। हमारे ब्रदर ये गाछी पे चढ़ के माछा मार रहे हैं, देख सकते हैं आप, इतना रिक्स मोल के माछा मार रहे हैं और यहाँ आ भी रहा है। और शुरुआती मैं कर दिया बस, अब इन्होंने मार रहा है, मछली पकड़ लिया ये भैया ने यहाँ गाछी से। देखिए ये बहुत सेक्सी मैन है ना। हाँ, ये बहुत ही हिट मैन हो गया, बहुत बड़ा। शुरुआती मैंने किया लेकिन लास्ट में बड़ा बड़ा पकड़ रहे हैं। देखिए ये देखिए ये है मछली, देख लो भाई। दोस्त अभी तक ले हम लोग इतना मछली पकड़ लिए, देख सकते हैं
फाइनली अभी हम लोग का कार्यक्रम जारी है, 2.5 घंटा में उतना ही मछली पकड़ पाए हम लोग। अब हम लोग चल रहे हैं एक साइड पे है, वहाँ पे भी पकड़ने वाला ठाऊ है जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं। तो दोस्त आप सब देख सकते हैं यही है दूसरा फिशिंग करने वाला ये नदी में ठाऊ, और यहाँ बोट भी है। चलते हैं नीचे हम लोग और नीचे बोटिंग बोट पे, और बहुत ही आसान से चलना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो एक डायरेक्ट जाएगा नीचे। देख सकते हैं यहाँ पे बोट लगा हुआ है और उस बोट पे चढ़ के फिशिंग करेंगे हम लोग। देख सकते हैं आप लोग इस बोट पे चढ़ के हम लोग फिशिंग कर रहे हैं, और देखिए क्या उगाने से छाया ना रहे बोट तो लेर गोल हाँ ता ना बोना मायने क्या तो मत क्यों छाया ना इंतजार जा ऐसा क्यों इंतजार कर यहाँ को माचा पर लास्ट लाइन में उठता पड़ते तो पड़ते वाला आपको बोल चीनी राम राय इधर है और बोट इधर से उधर हो रहा है यार। तो दोस्त देख रहे हैं हम लोग ट्राई कर रहे हैं पर मछली नहीं आ रहा यार। जान संदेह है ना। तो दोस्त देख सकते हैं हम लोग बीच में आ गए। ओए ये डोरी फुट के ना बनाते हैं पूछे मारे तानू ना वो दे जाना लौटने में। दोस्त देख सकते हैं ये गहरे सके यार मछली नहीं आ रहा है, बट ये डेंगी इधर से उधर हो रहा है यार, खींचो यार मर जाएगी। ये तो 1300 पर है फ्रेंड्स लोग मजाक में और देख सकते हैं नहीं आया। तो यही है दोस्त हम लोग फिशिंग कर रहे हैं और बहुत ही एंजॉय हो रहा है, और बोट का देखिए ऐसे ऐसे करने के बाद मजा आ रहा है यहाँ पे, और ये देखिए भीतर जा रहा है, और देखिए मेरा फ्रेंड इधर हम लोग बीच में आ गए फिशिंग कर रहे हैं आप देख सकते हैं। ओए कोदी ला मुझे बहुत बहुत मजा एंजॉय हो रहा है। अरे बोट को मालिक आवला यार। ओ यहाँ तो गहरो छ क्या हो गहरो छ और बहुत ज्यादा पानी है, ये देखने में लग रहा है कि कम पानी है, यहाँ पे डुबाव पानी है, यहाँ अगर पौड़ी नहीं खेलने आता है तो आप डूब सकते हैं। तो दोस्त फाइनली यही हम लोग फिशिंग कर रहे हैं, आ गया मछली नहीं आया यार। क्या हुआ तो तानिए तानिए हम लोग को उधर ले आइए। तो लगूंगा मैं ला गया यार, तो लग का सामने भाई क्या एक कुत्ता है, और ये एकदम कुत्ता एकदम हम लोग मछली मार रहे हैं जिस जगह पे आ गया, और सारे बंदा डरा गया है, ये शेर के जैसा लग रहा है ये साला ये, और उनका मालिक वहाँ है खड़ा बोला है कि डोंट वरी बेटे इसको जर्मन शेपर्ड कहते हैं, देखिए और कोई देखता है ऐसा वीडियो मत। जर्मन जर्मन शेपर्ड जर्मन शेपर्ड हां जर्मन शेपर्ड देखिए पानी पी लिया और मालिक बुलाया चला गया, बस हम लोग का दिमाग शांत हो गया। फाइनली हम लोग यहाँ भी ट्राई किए बट एक अच्छा सा माछा पारा उसको मैंने रख दिया हूँ। चलिए अब चलते हैं रूम में और देख सकते हैं बैकग्राउंड में ये देख सकते हैं चढ़ने में बहुत दिक्कत है, यहाँ पे रास्ता नहीं है इस पे, और पैर इधर उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, इसलिए मैं वीडियो क्लोज करता हूँ और ऊपर चलता हूँ तो आपसे बात करते हैं। तो दोस्त नदी से ऊपर निकल गए हैं, और ये जो मछली है ये मेरा जिम्मा है ले जाने के लिए, और इसको पकड़ लिए। तो इसमें मछली है देख सकते हैं, इतना ही मछली हम लोग पकड़ पाए यहाँ। तो दोस्त हम लोग फाइनली अब चल रहे हैं रूम में, रूम में चलेंगे तो वहाँ नाश्ता वगैरह बनेगा और हम लोग नाश्ता वास्ता करेंगे, क्योंकि सुबह 10 बजे खाना खा के हम लोग आए थे,
और यहाँ का 2 बज गया है। तो हम लोग चलेंगे और नाश्ता खाएंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे। तो ये वीडियो आप सबको कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।